गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं अभिगमन या अपवाह वेग। बात करने जा रहे हैं अपवाह वेग या अभिगमन वेग, क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या सिस्टम है इसका, और किसको हम कहते हैं अपवाह वेग और अभिगमन वेग। देखो, इन जनरल वे अगर हम बात करते हैं, तो भाई चालक, कोई भी चालक तार है, मान लो मेरे पास में कोई भी एक इस तरह से चालक तार है। ठीक है, अब चालक तार में से आप मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है? कि बिल्कुल होता है साहब, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो भी थर्मल एनर्जी के कारण कमरे के टेम्परेचर के ऊपर जो भी जो थर्मल उसको एनर्जी मिलती है, उसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? जिगजैग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने बात करी, एक कंडक्टर लिया, चालक तार लिया, इसमें से हम मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और वो क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि उसकी कोई न कोई थर्मल एनर्जी है। अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई कोई भी चालक तार में से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, उसके कमरे के तापमान के अंतर्गत उसमें क्या आती है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब वो किस डायरेक्शन में होते हैं, जिग जैग डायरेक्शन में। क्या, किस डायरेक्शन में होते हैं, जिग जैग डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको हमने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी से जोड़ने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी फिक्स डायरेक्शन में, जिस वेग के साथ में गमन करते हैं या मूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा नाम कौन सा है, अपवाह वेग या अभिगमन वेग। बात समझ आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवहन वेग या अपवाह वेग या अभिगमन वेग के नाम से हम उसको जानते हैं। तो हमने क्या लिखा, सन 1900 में एक ड्यूट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल की पुष्टि की, जिसके अनुसार गैस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। हियर एंड देयर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कमरे के टेम्परेचर पाकर किस तरह से अपनी इच्छा के अनुसार गति करते। जब हमने उस वायर को किसी से भी नहीं जोड़ा बैटरी से, फिर भी वो हियर एंड देयर मतलब एक्स मतलब जिग जैग डायरेक्शन में उसका क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। बात समझ आ रही है। फिर क्या कहा उसने, इसका प्रायोगिक सत्यापन 1905 में लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1905 में लॉरेंस नामक का वैज्ञानिक आया था, उसने उसका एक्सपेरिमेंटली इसको करके देखा कि वास्तव में ऐसा ही होता है या नहीं होता, और इसकी थ्योरी हमने 11th क्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, फिर क्या हुआ, यदि इलेक्ट्रॉनों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बात, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, ठीक है, तथा निश्चित वेग के साथ गति करते हैं। एक निश्चित दिशा में मतलब जब हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा था तो जिगजैग डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था उनका, जब इससे मैंने बैटरी से यहां पर जोड़ दिया तो एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित वेग के साथ में गति करते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग। इसे हम VD के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, VD के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, ठीक है, जो कण है वो उसके पर लगने वाला बल क्या होगा, F=QE। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, F=-EE, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ न्यूटन के द्वितीय नियम से F=ma होता है कि नहीं, तो समीकरण 1 में वह समीकरण 2 से F, दोनों F का मान है, दोनों को समान करने पर तो क्या हो गया, ma=-E2e। तो यहाँ पर त्वरण निकल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जिस वेग के साथ में उसका त्वरण, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो a=, क्या हो गया, -E/ma·e। ठीक है, जहाँ पर a क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, और e=, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या होगा, m=, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और E जो होगा, जो हमने यहाँ पर बैटरी को जोड़ रखा है, जोड़ने से पहले वो जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। मेरी बात को आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति का प्रथम नियम क्या कहता है, V=U+AT। इनिशियल वेलोसिटी जो U है वो क्या है, यहाँ पर 0, दैट इज VD=0±EE/m·T। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में टकराएंगे,
टकराने के बाद में कुछ देर के लिए वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। एट दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, विश्रांति काल, जहां पर टी क्या कहलाएगा, विश्रांति काल कहलाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफवाह वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी डी इज इक्वल माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टी, ठीक है, जहां पर टी क्या होगा, विश्रांति काल के नाम से हम उसको जानेंगे।